अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे हमारा माहौल और हमारे सबक का नाम है हमारा गांव हमारा शहर। अब बच्चों, आपको पता है गांव के बनिस्बत शहर में क्या क्या चीज़ें होती है? देखिए बच्चे, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, पार्क होते हैं जिनमें बच्चे खेलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, साफ़ सुथरी सड़कें होती हैं, और इसके ज़रिए मालूम पड़ता है कि यहाँ की आवाम कितनी ज़्यादा तरक्की पर है। इसके बनिस्बत हम लोग गांव के जो मनाजिर हैं उसमें देखेंगे कि यहाँ के लोग सारे काम अपने हाथों से करते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है, घर ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं, और ज़्यादातर लोग बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर अपना काम अंजाम देते हैं। आमदोरफ्त के ज़राए इंसान की ज़रूरतों में इजाफ़ा होने लगा तो उसने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ज़राए खोज निकाले। पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, ऊँट, घोड़े और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। इसके बाद बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे ज़राए इस्तेमाल होने लगे। फिर जहाज़, मोटर और रेलगाड़ी के दरियाफ्त हुई। फिर हवाई जहाज़ की ईजाद हुई, जिसकी वजह से तेज़ी से आमदोरफ्त होने लगी। अब बेटा, आपको समझ में आया? देखिए, जब इंसान ने तरक्की करी तो वो ट्रेन और जहाज़ के ज़रिए आमदोरफ्त करने लगा। पहले इंसान घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी पर आमदोरफ्त करता था। बोली, इंसान ज़बान की मदद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने ख्यालात दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक ही ज़बान अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ तरह से बोली जाती है। इलाकों के एतबार से ज़बान के लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ या अदायगी का तरीका बदल जाता है। इस पर दूसरी ज़बानों का असर भी पड़ता है। दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी अपनी ज़बान में शामिल हो जाते हैं। इस तरह एक ही ज़बान की कई बोलियाँ अलग अलग इलाकों में पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर अहिरानी, मालोनी, बरारी, मराठी ज़बान की चंद बोलियाँ हैं। महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान मराठी है। अब बच्चों, हमें ये कैसा पता लगेगा कि कौन सा इंसान कौन से मज़हब से वाकिफियत रखता है? अब देखिए बेटा, जो हिंदू होंगे वो अपनी मातृभाषा मराठी बोलेंगे, और जो मुस्लिम होंगे वो अपनी ज़बान उर्दू बोलेंगे। इसी तरह पंजाबी पंजाब की बोली बोलेंगे। इस तरह हम लोगों की बोली से पता लगा सकते हैं कि वो इंसान कौन सी मुल्क या कौन से वतन से वाकफियत रखता है। अब बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।